हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो लाइफ में। आज हम एक मेडिटेरियन रेसिपी बनाएंगे। नाम तो पढ़ा ही होगा, फलाफल, जो आधा तो हेल्दी है क्योंकि दाल से बना है और आधा थोड़ा सा अनहेल्दी है क्योंकि ये भी एक किस्म का पकोड़ा ही है। आसान और सिंपल है बनाना। चलिए शुरू करते हैं। फलाफल बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप काबुली चने की दाल। वैसे तो हम भारतीय दाल का पकौड़ा कई सालों से, कई दशकों से खाते आ रहे हैं, मगर हम लोग ज़्यादातर चने की दाल, इस काबुली चने की दाल का पकौड़ा नहीं बनाते। ये क्योंकि एक मेडिटेरियन चना पकौड़ा रेसिपी है जो खासकर इस चने की दाल से ही बनाया जाता है। इनफैक्ट जो खमस की रेसिपी है वो भी तो इस काबुली चने की दाल से ही बनाया जाता है, जो हम इस फलाफल के साथ सर्व करेंगे। अब इस काबली चने की दाल को 2 बार धो लेने के बाद 2 कप पानी डाल दिया इसके अंदर। इसमें डाला हमने नमक आधा चम्मच और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा। चने को हम भिगो के रखेंगे ओवरनाइट या 8 घंटे, या फिर आप इसे गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं अगर आपको जल्दी है, सिर्फ 6 घंटे के लिए। हमने यहाँ काबुली चना सिर्फ 6 घंटे के लिए भिगो के रखा था गर्म पानी में, तो ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम 2 बैचेस में पीस लेंगे, आधा अभी पीसेंगे फिर आधा बाकी जो बचेगा वो बाद में पीस लेंगे। एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो मशीन भारी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे ऊपर क्योंकि हमें एक सेमी थिक पेस्ट बनाना है। और इसमें मिक्स करेंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 टेबलस्पून भुना हुआ सफ़ेद तिल, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी या लाल मिर्चें डालें, आधा चम्मच और नमक डालेंगे, पहले भी हमने भिगोते समय डाला था, अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए इस तरीके का ये बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा, दरदरा नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है। अब बाकी की चने की दाल भी हम पीस लेंगे और एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ये जैसे हम इसमें 1 लेमन मीडियम साइज़ का नींबू ऐड कर लेंगे, इसका जूस। नींबू नहीं हो तो सिरका या फिर अमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं खटास के लिए। इसके बाद ये गया 1 चम्मच भरा हुआ धनिया का पेस्ट या धनिया की चटनी। अगर आपके पास फ्रेश धनिया अवेलेबल है तो इसके बदले आप आधा कप फ्रेश धनिया डालिए। फिर बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, चमचे से घुमा घुमा के मिक्स कर लीजिए जब तक बेसन कम्प्लीटली दाल में ब्लेंड हो जाए। इसके बाद ये एक मीडियम साइज का प्याज है, इसे छोटा छोटा काट लिया है। इसमें थोड़ा सा फलाफल जब हम खाएंगे तो एक क्रंचीनेस आएगी इस प्याज की वजह से। अगर आप इस तरीके से प्याज नहीं डालना चाहते तो जब हम मिक्सी में दाल को ग्राइंड कर रहे थे आप उसी वक्त प्याज ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम मेदू वड़ा बनाते हैं उसी तरीके से इस दाल के बैटर का थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पोर्शन लेकर गोल बनाकर तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। या फिर अगर आपको इसकी आउटर लेयर क्रंची चाहिए और आप सारे पकौड़े एक साथ बनाकर रख देना चाहते हैं और फिर एक साथ फ्राई कर लेना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले गोला बनाएंगे, फिर इसे इस ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे और सभी बनाकर हम लोग रख लेंगे और लास्ट में फ्राई करेंगे। यहाँ पर तेल ऑलरेडी हमने गरम करने के लिए रख दिया था तो तेल हमारा बिल्कुल गरम है। फलाफल को हम लोग फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। जब थोड़ा सा लगे, अब ये कच्चे नहीं रहे, तो ऊपर नीचे थोड़ा स्टर करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए और फिर गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें ऐसे छन कर बाहर निकाल कर एक पेपर टॉवल पर रख देंगे। सारे फलाफल के बॉल्स हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इन्हें हम सर्व करेंगे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, इंडियन स्टाइल में। मगर अगर आपको इन्हें मेडिटेरियन स्टाइल में सर्व करना है तो इसे सर्व कीजिए आप हमस के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।